वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। और कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। सो अभी देखिए सुबह हो गई है और आज मैं आप सभी के साथ पूजा का जो क्लीनिंग का काम होता है उसी से स्टार्ट कर दिया है ब्लॉग। सो ब्लॉग में कंटिन्यू बने रहिए और खूब सारा प्यार दीजिए, सपोर्ट करिए। तो मैंने जो शंकर जी का जो मंदिर है उसमें झाड़ू वाड़ू लगा दिया है, अच्छे से क्लीन कर दिया है। और यहाँ पे मैं आ गई हूँ ठाकुर जी वाले जो मंदिर है हनुमान जी का, उसमें तो यहाँ पे मैं पोछा ओछा कर रही हूँ और बर्तन वर्तन भी अभी धोना बाकी है जिसमें भोग वोग लगाया जाता है ठाकुर जी को। और बनी रहिए एंड तक। बनाने का टाइम तो जस्ट मैं आ गई हूँ, पूजा उजा करके चाय बनाया और कुछ ब्रेकफास्ट बनाया, सभी लोगों ने किया। तो अभी मैं लंच की तैयारी में लगी हूँ। तो आज मैं लंच में बना रही हूँ दाल, चने की दाल और आलू और नेनुआ जिसको बोलते हैं, ये हमारे यहाँ घेवड़ा बोलते हैं उसको भोजपुरी भाषा लैंग्वेज में, तो उसकी सब्जी। तो यहाँ पे देखिए सब्जी भी रेडी है और दाल भी रेडी हो चुका है, बस मैंने साइड में चावल चढ़ा दिया है और रोटी बनाना बस बाकी है। तो ऑलमोस्ट सारी लंच की तैयारी हो चुकी है, बस मैं फटाफट से रोटियाँ बनाऊंगी। एक मिनट आप सभी से दिखा भी देती हूँ। तो यहाँ पे देखिए आटा लगा दिया है और सब्जी भी देखा आपने कि रेडी हो चुका है और साइड में चावल भी चढ़ा दिया है और यहाँ पर दाल भी रेडी हो गया है। तो चलिए फटाफट से रोटियाँ बनाते हैं और सभी को लंच देते हैं करने के लिए, और आप सभी भी आ जाइए हमारे साथ लंच कर लीजिए। और सबको खाना वाना खिलाने के बाद से मैंने बर्तन वर्तन जो था वो क्लीन किया और उसके बाद मैं आ गई हूँ बेडशीट वगैरह सही करने के लिए। तो उसके बाद मेरा यही काम होता है कि बेडशीट वगैरह सही करती हूँ, वापस से मैं दोबारा से भी झाड़ू लगाती हूँ और फिर मैं जाके लंच करती हूँ। जब तक मेरा पूरा घर अच्छे से क्लीन और एडजस्ट नहीं रहता है तब तक मेरा मन भी नहीं लगता है और दिल खुश भी नहीं रहता है। तो उसकी वजह से मैं सारी चीज़ अच्छे से कर देती हूँ, उसके बाद लंच करती हूँ। तो देखिए मैंने अपना लंच ला के रख दिया है और अभी मैं जा रही हूँ लंच करने। इसके बाद मैं सो गई थी तो अभी मैं शाम से ब्लॉग शूट करना शुरू किया। तो देखिए सामने कितनी आ रही तूफान आई है, अभी गर्मी का मौसम चल रहा है इसके वजह से रोज ही दो चार दिन में आधी तूफान आ जाती है, बारिश हो जाता है तो हवा भी बहुत ज़्यादा तेज था। अभी थी मैं ऊपर, बाहर थोड़ा सा उजाला है, अंदर अभी लाइट वाइट आने की प्रॉब्लम होगी, देखते हैं कब तक लाइट आता है। सो चलिए चलते हैं नीचे। शाम को शाम को मिल रहा है 6:17 और बारिश भी हल्का फुल्का हो रही है, थोड़ा सा छत भी भीग गया था और तूफान बहुत ही ज़्यादा था। मैंने थोड़ा सा शूट किया है और आप सभी से दिखाने की कोशिश भी की है। और चलते हैं अभी डिनर बनाते हैं और दीपक जलाना है। और ये मैंने चेंज कर लिया है, साड़ी मैंने खोल दी है। हाँ तो चलते हैं नीचे और दीपक लगाते हैं और बनाते हैं डिनर। सो देखिए आज डिनर में बनेगा ये आम का जो होता है ना खटमिठिया जिसको बोलते हैं, जिसको लौंजी बोलते हैं, तो उसी का आम का लौंजी बनेगा और आलू के पराठे बनेंगे। तो यहाँ पे मैंने प्रेशर कुकर में आलू रख दिया है उबलने के लिए और यहाँ पे मैंने दीपक भी लगा लिया है। तो सारी चीज़ें तैयार हो चुकी है और आटा भी लग चुका है
बस मसाले वसाले भी रेडी हैं और यहाँ पे मैंने आलू बॉयल हो गया है तो यहाँ पे मैंने उसको छील लिया है आलू को, तो बस स्टफिंग की तैयारी हो रही है। तो बस मैं मसाले को भूजूंगी और इसमें जो आलू है उसको क्रश करके और मसल के अच्छे से मिला दूंगी, तो स्टफिंग तैयारी हो जाएगी आलू पराठे की। और इधर मैं साइड में बगल में दूसरे चूल्हे पे मैं रख देती हूँ लौंजी बनने के लिए। तो चलिए बनाते हैं और आप सभी के साथ रेसिपी शेयर करते हैं। तो यहाँ पे मैंने प्रेशर कुकर लिया है और इसमें मैंने तेल ऐड कर दिया है। जैसे ही तेल गर्म हुआ तो मैंने जीरा और लाल मिर्च और कलौंजी जो होता है उसको, जिसको मंगरेल कहते हैं, तो उसको मैंने ऐड कर दिया है और इसको थोड़ा सा भुनना है, थोड़ा सा ही, बस थोड़ा सा भुन जाएगा। और इसके बाद हम जो आम को काट के रखते हैं उसको इसमें ऐड कर देंगे और इसको थोड़ा सा भुनेंगे आम को भी। तो बस इसको भून लिया है और इसी टाइम पे हम इसमें नमक ऐड करेंगे, हल्दी थोड़ा सा एक पिंच ऐड करेंगे और ऐड कर देंगे हम गुड़। तो इसको हम मैंने क्रश कर लिया है, फोड़ दिया है और बैकग्राउंड में आवाज़ भी सुनाई दे रही होगी तो इग्नोर करिएगा। और बस थोड़ा सा इसमें हम पानी ऐड करेंगे और इसको चलाते हुए 10 मिनट के लिए पकने देते हैं। स्टफिंग की तैयारी हो गई है तो मैं गर्मा गर्म आलू पराठे बना रही हूँ और साइड में देख सकते हैं कि यहाँ पे लौंजी भी बन रहा है। तो आप सभी को रेसिपी कैसी लगी, उम्मीद करती हूँ कि आप सभी को अच्छी लगी होगी। सो यहाँ पे एक तरफ पराठे बन रहे हैं और एक तरफ आम की लौंजी भी तैयार हो चुकी है और अभी मैं सबको डिनर कराने जा रही हूँ। और सबको डिनर कराने के बाद से मैं अभी आ गई हूँ अपना थाली लेके डिनर करने के लिए। सो उम्मीद करती हूँ कि आप सभी को ब्लॉग पसंद आया होगा, तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।